Hi guys, once again I welcome on my YouTube channel Army Boys. So guys, जैसे मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि एनसीसी के जो सिलेबस थे वो बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम्स के जितने जो सिलेबस थे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था. और आज मैं एनसीसी के जो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग की जो बात होती है वो जो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के जितने क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं उनके बारे में आज आपको सारी डिटेल्स देता हूँ. आज हम लोग पढ़ाई करेंगे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के बारे में. ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग की जितनी क्वेश्चंस आती है आपको मैं वो सारे आज जितने तरह के ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो सारों के आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा. और कितने हाइट होते हैं, किस फिट की कितने होते हैं, वॉल की कितने हाइट होती है, किस तरह से जंप किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा. तो गाइज, ये जो सबसे पहले जो ये ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग की जो बात हुई, ये जो एनसीसी को ये जो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये सबसे पहला जो इसका जो मेन पॉइंट है, इसको फिजिकली किसी भी कैडेट को फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको ये फिजिकली ये ट्रेनिंग दिया जाता है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है. नंबर टू, आपको कॉन्फिडेंस, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी ये ट्रेनिंग दी जाती है. आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे पहला पॉइंट बोला फिजिकल, आपको फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. नंबर टू बोला आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए. और नंबर थर्ड बोला गया आपके अंदर करेज भरने के लिए, आपके अंदर करेज लाने के लिए आपको ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी. नंबर नेक्स्ट, आपको चैलेंज मतलब जो चैलेंजेस होते हैं उसको फेस करने के लिए, चैलेंज फेस करने के लिए आपको ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी. चैलेंज फेस करने के लिए आपको ये ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है. अगर इसके अंदर आप अगर माइंडसेट आपकी बात करो तो वो भी माइंडसेट आपका कोऑर्डिनेशन की भी अगर बातचीत होगी तो ये इनफैक्ट ये आपको ये कोऑर्डिनेशन के लिए भी आपका ये ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है. ये क्वेश्चन पूछेंगे कि लाइक व्हाई द एनसीसी कैडेट्स आर प्रोवाइडेड ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, एनसीसी कैडेट्स को ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग की क्यों दी जाती है. तो आपका पहला कोऑर्डिनेशन के लिए, नंबर टू फिजिकली उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, नंबर थर्ड कॉन्फिडेंस उसके अंदर लाने के लिए, नंबर फोर्थ उसके अंदर की करेज को बढ़ाने के लिए, नंबर फिफ्थ आपको चैलेंज फेस कराने के लिए, और नंबर नेक्स्ट आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सारे पॉइंट्स आप उसमें मेंशन कर सकते हो जब आपको ये क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे. अब मैं बात करता हूँ ये कितने तरह की ट्रेनिंग होती है. आपको टोटल आप अगर ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग की बात करो तो इसमें आपको टोटल 10 ट्रेनिंग मिल जाएगी. आपको टोटल कितने मिलेंगे कि मैं सब आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ. सबसे पहले 10th आपको जो मिलेगी जो सबसे पहले होगा वो आपका है स्ट्रेट बैलेंस. स्ट्रेट बैलेंस, स्ट्रेट बैलेंस में आपका होता क्या है ना कि एक लकड़ी होता है जिसके थ्रू आपको हाथ को बाहर रख के चलना पड़ता है. स्ट्रेट बैलेंस जैसे रेलवे की पटरी आप ट्रैक देखोगे उस ट्रैक में जैसे जो रेलवे की ट्रैक होती है उसमें उसी तरीके का एक लकड़ी का बना हुआ पटरी जैसा बना होता है उसके अंदर आपको हाथ को खोल के चलना है. उसकी जो हाइट होती है उसको सबसे पहले मैं आपको थिकनेस बता देता हूँ. उसकी जो ये इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस पतलाई है, ये नंबर वन. अगर टेन ऑब्स्टिकल की बात करते हैं सबसे पहले है स्ट्रेट बैलेंस. स्ट्रेट बैलेंस की जो थिकनेस है वो है आपका 3 इंच. 3 इंचेस आपका इसका थिकनेस हो जाएगा. अगर आप इसकी चौड़ाई का बात करो तो 4 फीट दिया हुआ है. 4 फीट इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 4 इंच. स्ट्रेट बैलेंस जो है थिकनेस है 3 इंच, चौड़ाई कितना है 4 इंच, और ये जो लंबा होता है इसका जो लेंथ है वो 12 फीट. लेंथ
12 फीट का आपका लंबाई मिल जाएगी। ये स्ट्रेट बैलेंस का जो ये है, अब इसमें ये बना किसका होता है, वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। थिकनेस हो गया इसका 3 इंच, चौड़ाई हो गया 4 इंच, लंबाई हो गया 12 इंच, और ये जमीन से 1.5 फीट ऊपर होती है। जमीन से हाइट 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 जो होगा 1.5 फीट, 1.5 फीट आपकी ऊपर होगी आपकी जमीन से। ये हो गया आपका स्ट्रेट बैलेंस, जिसमें आपको क्या करना, हाथ को खोल के वहां से पार करना। ये नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब नंबर 2 का चलते हैं, नंबर 2 पे बात करते हैं। ऑब्स्टिकल टेंडिंग में टोटल 10 आपको मिल जाएंगे। ये नंबर 1 हो गया, मैं आपको बता दूं नंबर 2 में है आपका क्लियर जंप। नंबर 2 में है क्लियर जंप, क्लियर जंप। अब ये क्लियर जंप क्या होता है, क्लियर जंप जैसे उसी तरीके का एक लकड़ी का दिया हुआ है जिसके ऊपर से आपको जंप करके क्रॉस करना होता है। ये आपको मैं बता दूं, ये भी वुडन बीम का बना हुआ है, वुडन लकड़ी का ये भी बना हुआ होता है, एक बीम के आकार का होता है, बीम जैसे बना हुआ होता है। इसकी आप ये फिक्स होती है ग्राउंड से, इसकी जो हाइट होती है वो 2.5 फीट होती है। जैसे इसके पहले जो स्ट्रेट बैलेंस पड़े थे, स्ट्रेट बैलेंस की हाइट कितनी थी जमीन से, स्ट्रेट बैलेंस की हाइट थी 1.5 फीट, बट इसकी हाइट कितनी है 2.5 फीट। जमीन से इसकी हाइट कितनी है 2.5 फीट, और जो स्ट्रेट बैलेंस था उसका 1.5 फीट था। और इसमें जंप करके इसको टच नहीं करना, विदाउट टचिंग, विदाउट इसको बिना टच किए किसी कैडेट को इससे जंप करके पार करना होता है। ये होता है क्लियर जंप नंबर 2 पे। और अब बात करते हैं नंबर 3, जिग जैग बैलेंस। नंबर 3 पे है जिग जैग बैलेंस। जिग जैग का मतलब तो आपको पता ही होगा, जेड के आकार का जो होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है उसको बोलते हैं जिग जैग बैलेंस। नंबर 3 है जिग जैग बैलेंस। जिगजैग बैलेंस भी कुछ इसी तरीके का बने होते हैं, इस तरह के और इस तरह के। अब इसमें से पार करना होता है, ये इसकी टोटल लंबाई होती है, इसकी जो लेंथ है मैं आपको बता दूं, इसकी जो लेंथ होगी वो 18 फीट। ये सारे डेटा मैं आपको दे दे रहा हूं, आप अपने कॉपी में लिख लेना ताकि बाद में कभी प्रॉब्लम ना हो। ये आपकी लेंथ है 18 फीट, लेंथ हो गई 18 फीट, और ये जमीन से इसकी पहले चौड़ाई में बात कर लूं, चौड़ाई से 3 इंच दिया हुआ है, इसकी चौड़ाई 3 इंच, 3 इंचेस, और ये जमीन से हाइट 1.5 फीट, हाइट 1.5 फीट। जैसे अभी इससे पहले तो हमने जो पढ़ा था, सबसे पहला पढ़ा था क्लियर स्ट्रेट बैलेंस, स्ट्रेट बैलेंस में हाइट कितनी थी 1.5 फीट। इसके फिर इसके बाद इसके पहले हमने पढ़ा था क्लियर जंप में हाइट कितनी थी 2.5 फीट, और इसमें वापस कितनी है हाइट, जमीन से हाइट कितनी है 1.5 फीट। इसमें कैडेट्स को इसी को पार करना होता है, दोनों हाथ इसमें भी खुले रख के आपको ये जिगजैग बैलेंस पार किया। हमने कैसे बने होंगे जिगजैग, ऐसे आपको ये जेड के शेप में ये लगभग मिल जाएंगे, जिगजैग मतलब क्रॉस किया हुआ, जैसे कभी रनिंग करते हो ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे करके रनिंग करते हो, इस तरह के जिगजैग में आपको हाथ को खुले रख के इसको पार करना। ये हो गया 3rd पे जिगजैग बैलेंस। चलते हैं नंबर 4 की ओर, हाई वॉल। हाई वॉल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, हाई वॉल 6 फीट ऊंचा जो हाई वॉल है, नंबर 4 पे है हाई वॉल। हाई वॉल ये इसकी हाइट कितनी हो गई जमीन से 6 फीट। ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको जरूरी है ये सारी चीजें याद रखना। इसकी हाइट है 6 फीट फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड से इसकी हाइट होगी 6 फीट, और इसकी लंबाई होती है 12 फीट, इसकी लंबाई होगी 12 फीट, लंबाई होगी 12 फीट, लंबाई ऐसा होगी 12 फीट, और जमीन से ऊंचाई होगी 6 फीट तक, कम से कम इतनी ऊंचाई
कम से कम इतनी ऊंचाई तो कम से कम 6 फीट तक आपको मिल जाएगी। और इसी में आपको दोनों हाथ, जैसे ये जो वॉल है इस वॉल पे दोनों हाथ आप ऐसे रखेंगे और दोनों हाथ पहले लेफ्ट पर रख के उसको पार करना पड़ता है। ये हो गया नंबर 4 पे हाई वॉल। हाई वॉल के बाद है आपका डबल डिच, जिसमें डबल डबल का मतलब आपको पहले ही पता चल रहा है, डबल का मतलब दो और डिच का मतलब गड्ढा। नंबर 5 पे है डबल डिच, डबल डिच, डबल डिच। इट मींस क्या कि जैसे एक ऐसे हो गया, अब इस जगह पे थोड़ी सी जगह आपको मिल जाएगी, इस पोर्शन पे थोड़ी सी आपको जगह मिल जाएगी जहां पर आप पावर रख सकते हो, फिर एक और डिच आपको मिल जाएगा इसमें। तो फर्स्ट जंप में आप यहां से जंप करोगे, यहां आओगे, फिर यहां से फिर ऐसे। ये डबल डिच का आपको फॉर्मेशन के बारे में बताया। जो डबल डिच है ये इसकी भी लेंथ होती है 12 फीट, लेंथ होगी 12 फीट। अभी हाई वॉल के बारे में भी हमने पढ़ा था, जो हाई वॉल की जो लेंथ थी वो भी 12 फीट की थी और इसकी भी लेंथ कितनी है, डबल डिच की भी लेंथ कितनी है 12 फीट। अब इसी में आपको ये जो गैप है, ये गैप आपको एक पैर रखने का लिए गैप मिल जाएगा। एक पहले यहां जंप करेंगे, फिर यहां से आप फिर डबल डिच को पार करो। ये फर्स्ट डिच और ये सेकंड डिच, दो डिच को आप पार करोगे तो ये कहलाएगा डबल डिच। ठीक है, ये डबल डिच आपकी जो ये जो चौड़ाई है 4 से 5 फीट, ये जो यहां से यहां तक ये जो आपकी जो चौड़ाई मिल जाएगी ये 4 से 5 फीट की आपकी ये चौड़ाई होगी। वेट कितना है, 4 से 5 फीट की आपकी चौड़ाई होगी। और ये जो गड्ढा है, ये जो जो डीच बने होते हैं, ये डीच आपको 3 से 4 फीट की डेप्थ मिल जाएगी। डेप्थ है आपका 3 से 4 फीट के आपके डेप्थ मिल जाएगी। चौड़ाई कितना होगा, 4 से 5, यहां से यहां 4 होगा, यहां से यहां 4 से 5 होगा। ठीक है, इस तरह के रेंज और इस लोब के बीच में एक पैर रखने का जगह बना हुआ है। आपको इसको रनिंग करके पार करना है। ठीक है, और बीच में कहीं पर रुकना नहीं है, जैसे यहां पर पार किया फिर वहीं से कंटिन्यू इसको आना, कहीं बीच में रुकना नहीं है। ये हो गया 5th। इसके बाद है राइट हैंड वॉल्ट, नंबर 6 पे है राइट हैंड वॉल्ट, जिसमें आप राइट की तरफ से जंप करोगे, अपने राइट हैंड की मदद से जंप करोगे। नंबर 6 क्या है, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड वॉल्ट। राइट हैंड वॉल्ट जिसमें आप दाहिने हाथ को इस तरह से रखोगे और दोनों पैर को पार करके आपको उस ऑब्स्टिकल को पार करना होगा। अब ये जो राइट हैंड वॉल्ट बना है, ये भी वुडन स्ट्रक्चर का बना होता है, ये भी लकड़ी का बना होता है, वुडन स्ट्रक्चर, ये भी लकड़ी का बना हुआ है। और इसकी भी जो हाइट होगी, इसकी हाइट होगी 3.5 फीट फ्रॉम द ग्राउंड से 3.5 फीट ऊपर हो। सबसे पहला हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे पहला पढ़े थे स्ट्रेट बैलेंस, उसकी हाइट कितनी थी 1.5। उसके बाद पढ़े थे क्लियर जंप, जिसकी हाइट कितनी थी 2.5। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जिगजैग बैलेंस की हाइट कितनी होती थी, इसकी भी हाइट होगी जिगजैग बैलेंस की भी 1.5 होती थी। फिर उसके बाद आपका हाई वॉल पढ़े तो हाई वॉल की हाइट कितनी थी 6 फीट थी। और उसके बाद डबल डिच पड़ी, डबल डिच की तो कोई हाइट की कोई जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद राइट हैंड वॉल्ट की जो होगी ये हाइट कितनी होगी 3.5। तो अभी तक का ये सेकंड सबसे ज्यादा हाइट वाला जो है ये राइट हैंड वॉल्ट में। ठीक है, मैं इसके आगे इसके इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। 3.5 फीट की ये, और ये जो लंबाई होगी वो 18 फीट की होगी, लेंथ होगी आपको 18 फीट। ये राइट हैंड वॉल्ट जिसमें आप हाथ रख के जिससे आप क्रॉस करोगे वो आपको 18 फीट आपको लंबा मिल जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड की सपोर्ट से आपको यूज करके क्या करना है, इसको पार करना। और इसी के बाद नंबर 7 पे आता है लेफ्ट हैंड। राइट हैंड के बाद आप लेफ्ट हैंड की ऐसे सपोर्ट लोगे और लेफ्ट की तरफ से पार करोगे, मींस लेफ्ट हैंड के सपोर्ट लेके पार करोगे। ये नंबर 7 कौन हो गया, लेफ्ट हैंड।
लेफ्ट हैंड ये भी बना होगा सेम वुडन स्ट्रक्चर, हाइट कितनी होगी सेम 18 लेंथ होगी उसका 18 फीट और हाइट भी सेम होगी, कोई टेंशन नहीं है। 3.5 मींस लेफ्ट हैंड वॉल पर या राइट हैंड वॉल पर दोनों की हाइट सेम है, लेंथ भी सेम, इस दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नंबर नेक्स्ट, नंबर 8 पे जिसमें बोलते हैं गेट वॉल्ड। नंबर 8 पे है गेट वॉल्ड, गेट वॉल्ड का हम बात करते हैं, ये भी बना हुआ वुडन स्ट्रक्चर का, वुडन स्ट्रक्चर बनने का भी ये भी बना हुआ वुडन स्ट्रक्चर से। आपको इसकी हाइट मिल जाएगी 3 फीट, हाइट मिल जाएगी आपको 3 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। इसके पहले जो लेफ्ट वॉल्ट और राइट हैंड वॉल्ट था उसमें 3.5 फीट की हाइट दी हुई थी, बट इसमें हाइट दी हुई है 3 फीट की, ठीक है। अब ये जो बना होता है कुछ इस तरह का बना होता है, जैसे आपको ये देखिए ये सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद ये एक और रिंग इसमें दिया हुआ है, ये जमीन से हाइट इसकी कितनी दी हुई है, ये 3 फीट की दी हुई है, ये 3 फीट की दी हुई है। ये एक आपको सपोर्ट मिल जाएगा जिसपे आप पैर रख सकते हैं, इस पर आप सबसे पहले पैर रखेंगे और इस पर हाथ रख के इसके ऊपर से जंप करेंगे, ठीक है। इसमें इसलिए डबल ट्रिप दिया हुआ है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आगे और डिस्कशन कर लेते हैं। 18 फीट इसकी भी लंबाई होगी, 18 फीट लेंथ होगी इसकी भी 18 फीट, ठीक है। अब ये हो गया गेट वॉल्ट, मतलब लेफ्ट वॉल्ट, लेफ्ट हैंड वॉल्ट, राइट हैंड वॉल्ट और गेट वॉल्ट, तीनों में आपको कहीं ना कहीं हाथ का यूज करके उस जो वुडन स्ट्रक्चर है उसको क्रॉस करना होता है। चलते हैं नंबर नेक्स्ट एंड द सेकंड लास्ट इज नंबर 9। जो नंबर 9 की जो ये जो बात है ये रैंप जंप, नंबर 9 है रैंप जंप। आपने कभी ढलाव समझते हो, ढलाव जैसे इस तरह का ये जो बना हुआ, ये देखो लो ढलाव इस तरह का आपको बना हुआ मिलेगा, आप यहां से जाके ऐसे इधर से जंप करोगे नीचे, ये तो ये हो गया आपका रैंप जंप। ये ढलाव पर आप इसमें दौड़ के गए और दौड़ने के बाद यहां से आप सीधा जंप करोगे नीचे ग्राउंड पे, तो ये हो गया आपको रैंप जंप। और इसकी जो लंबाई होती है वो 15 फीट, लेंथ कितनी दी हुई है 15 फीट, और इसकी वेट जो होती है, जो चौड़ाई होती है वो 18 फीट, चौड़ाई दी हुई है 18 फीट, चौड़ाई है 18 फीट और इसमें आपको रनिंग करते हुए ऊपर से बर्फ, और ये जो हाइट दी हुई है ये हाइट है 4.5, ये हाइट कितनी है जमीन से हाइट कितनी है 4.5, हाइट दी हुई है 4.5 फीट, 4.5 फीट की ये यार आपको ऊपर से जंपिंग करनी है, ठीक है। अब नंबर लास्ट पे आते हैं, ये रैंप जंप के बाद नंबर लास्ट में आपका स्ट्रेट बैलेंस अगेन, जो शुरुआती में स्ट्रेट बैलेंस आपने पढ़ा था उसी स्ट्रेट बैलेंस को आप दोबारा से पढ़ोगे, नंबर 10 स्ट्रेट बैलेंस। स्ट्रेट बैलेंस जो सबसे फर्स्ट में आपने किया था, स्ट्रेट बैलेंस एकदम सेम है, ये भी है स्ट्रेट बैलेंस नंबर लास्ट में, ये भी बना हुआ है कितने, इसकी थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस 3 इंच, जो सबसे पहला नंबर में पढ़ा था थिकनेस कितनी थी 3 इंच, चौड़ाई कितनी थी 4 इंच, चौड़ाई कितनी थी 4 इंच, ये जो सबसे पहला पढ़ा था एकदम कोई चेंजेस नहीं है सेम। और ये लंबाई कितनी होगी, लेंथ 12 फीट, लेंथ कितनी होगी 12 फीट, और ग्राउंड से हाइट कितना होगा 1.5, हाइट कितना होगा 1.5। तो ये सारे जो आपको 10th ऑब्स्टिकल मिले, ये सारे ऑब्स्टिकल आपको कहीं ना कहीं जो टीएससी जो जाते हैं, जो कैडेट्स टीएससी के लिए फाइट करते हैं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में, ये 10 के 10 आपको सभी को रूल के मुताबिक आपको फॉलो करने होंगे और तभी आपको मार्क्स मिलेंगे
and only then you can be a Delhi written from TSC camp. So guys, I hope so you will get all the knowledge from the obstacle training and inki jo questions aati hai ye sare I hope ki aapke sare solve ho jayenge. And jo NCC syllabus wale hain agar aapko uska video dekhna to main description mein iska link de rakha hu, aap usse aap NCC ki syllabus dekh lena, pata kar lena. So best of luck guys, thank you.